आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया में आंधी तूफान बाढ़ और भूकंप क्यों आता है। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, जब दुनिया में लोग बढ़ जाते हैं, लोग पेड़ों को काटते हैं, जंगलों में जाके पेड़ों को काट के पेड़ों को नुकसान करते हैं, जानवर और पक्षियों को बेघर कर देते हैं, भगवान की भक्ति और उनको पूजना कम कर देते हैं, तब प्रकृति में बदलाव आता है और फिर कुदरती रूप से पृथ्वी पे आंधी तूफान बाढ़ और भूकंप आता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सब से हम कैसे बचे। कुदरत ने बनाए ये पेड़ वास्तव में प्रकृति के सही संरक्षक है। जब इस पृथ्वी पे पेड़ नहीं बचेंगे तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पानी भी सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो। ये सारी दुनिया पानी के वजह से ही जीवित है और पनपा है। इसलिए हमें धरती को बचाने के लिए पेड़ों की और पानी की रक्षा करनी चाहिए। कितने लोगों को बारिश पसंद नहीं, लेकिन पानी की ज़रूरत तो सबको है। पानी के बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं, पानी नहीं तो जीवन नहीं। कितनी बार बारिश में दुर्भाग्य से, तूफान के वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बड़े बड़े पेड़ों को तूफान उड़ा ले जाता है। तूफान पेड़ों, घरों और बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पानी का स्तर बढ़ जाता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ऐसा होने पे कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, दुनिया में कितना नुकसान होता है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो मजबूत है वो ही जीवित रह पाएगा। इसलिए प्रकृति को अपना संतुलन बनाने के लिए दुनिया में कभी कभी बाढ़, आंधी तूफान और भूकंप आता है।